वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले फ्रूट कस्टर्ड। जी हाँ, फ्रूट कस्टर्ड ये तो बच्चों का एकदम फेवरेट डिश है। और आज ऐसे ही होली से पहले वाला दिन है, तो आज ये बना के रखते हैं, तो कल होली में एकदम मस्त खाएंगे। तो इसीलिए चलिए आज बना लेते हैं फ्रूट कस्टर्ड। और इसके लिए मैंने यहाँ पर साबूदाना लिया है, वो भी मोटे वाले, वो मैंने रात को भिगो के रखे थे। अभी ये मोटे वाले दाने को मैं अच्छी तरह से ना बॉईल कर ले रही हूँ पानी में। जैसे ये पानी में उबाल आ जाएगा बस ये हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसको पानी से थोड़ा सा धो लेंगे, मतलब ठंडा पानी से धो लेंगे, ताकि ये सिर्फ मुझे दाना चाहिए, इसका जो पानी वो मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ इसका जो दाना है ये बॉयल होके आ जाए। तो अभी तो इसमें बॉयल आ चुका है, आप देख पा रहे हैं ये साबू का जो दाना है ना, ये धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट होने लगे। तो अभी ये हो चुका है, तो उसको मैंने निकाल लिया है। और ये मैंने देखिए एक स्ट्रेनर लिया है बड़ा वाला, और उसको ठंडा पानी से धोकर इस स्ट्रेनर में मैंने झड़ने के लिए दिया हुआ है। तो क्या होगा ना, पानी सारे झड़ जाएंगे और सिर्फ दाना, मतलब बॉयल किया हुआ दाना सिर्फ इस स्ट्रेनर में रह जाने वाले हैं। तो चलिए ये तो रख देते हैं साइड में। अभी क्या लेते हैं, दूध लेते हैं और थोड़ा सा कस्टर्ड पाउडर लेते हैं। दूध मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप के करीब। उसके साथ ही साथ मैं यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर मिला दे रही हूँ। मैंने यहाँ पर 2 टीस्पून ऑफ कस्टर्ड पाउडर मिलाया है। और ये डिपेंड करता है आप कितना दूध डालते हैं। जितना दूध अगर दूध आप ज़्यादा डालते हैं तो कस्टर्ड पाउडर भी ज़्यादा डालना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर 1 कप दूध डाला है, तो उसके हिसाब से मैंने 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डाला है। तो अभी इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, गुठलियाँ ना रहने पाए। जैसे ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, इसको कर लेंगे बॉयल। जैसे जैसे आप बॉयल करते जाएंगे ना, ये गाढ़ा होता जाएगा। तो जैसे ये पूरी तरह से गाढ़ा हो जाए, इसको फिर से हम निकाल के साइड में रख देंगे, ताकि ये ठंडा हो जाए। हाँ, ठंडा होना ज़रूरी है। उसके साथ ही अभी यहाँ पर डालते हैं शक्कर। शक्कर अपने हिसाब से डालिएगा, जितना आपको मीठा खाना है। तो अभी ये बन चुका है, इसको रख देते साइड में। अभी काटते कुछ फल। मैंने यहाँ पर ले लिया एप्पल। तो फल अपने चॉइस के हिसाब से डालिए, जैसा जैसा फल आपको खाना है उसके हिसाब से फल डाल सकते हैं। जैसे कि आप डाल सकते हैं गुआवा, पपाया, फिर आप केला डाल सकते हैं, अंगूर डाल सकते हैं, अनार डाल सकते हैं, कीवी डाल सकते हैं, तो ड्रैगन फ्रूट भी डाल सकते हैं। तो फल अपने हिसाब से जैसा आपको चॉइस है उसी तरह से डालिए। तो मेरे पास यही फल अभी फ़िलहाल अवेलेबल थे, तो मैंने यही डाले। मैंने यहाँ पर डाला है एक एप्पल। उसके बाद मैंने ले लिया एक संतरा। संतरा भी काफ़ी टेस्टी लगता है। आप यहाँ पर चाहे तो यहाँ पर ऑरेंज भी काट के डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर संतरा ले लिया और एप्पल ले लिया। हाँ, ज़्यादा फल कम ज़्यादा अपने हिसाब से कीजिए। अगर आपको फल ज़्यादा खाना है तो फल ज़्यादा काट के दीजिए, कम खाना है तो कम काट के दीजिए। ऐसा ना हो कि बच्चे बोले कस्टर्ड है, सिर्फ फल ही है, कस्टर्ड कहाँ है। चलिए, तो इसके साथ मैंने यहाँ पर काट लिया पपाया। पपाया भी काफ़ी टेस्टी लगता है इसके साथ। तो पपाया मैंने यहाँ पर छोटा छोटा पीस करके काट लिए। और उसी के साथ साथ मैंने यहाँ पर डाला है कुछ बनाना। बनाना अपने चॉइस के हिसाब से डाले, सिंगापुरी डालेंगे, वर्तमान डालेंगे, जैसा आपको इच्छा। तो केला मैंने एकदम छोटा छोटा पतला पतला करके स्लाइस करके काट लिया है। और इसी के साथ ही मैंने यहाँ पर डाला है कुछ ग्रेप्स। ग्रेप्स जैसे मैंने यहाँ पर काला अंगूर डाला है, आप चाहे तो ग्रीन अंगूर डालें, या तो ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी। इसके साथ साथ आप ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, जैसा आपको मन चाहे वैसा डेकोरेशन आप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ले लिया एक सर्विंग बोल। सर्विंग बोल पे मैं यहाँ पर डालती हूँ पहले थोड़ा सा कस्टर्ड। कस्टर्ड डालने के बाद मैं यहाँ पर डालती हूँ साबू के दाने, जो दाने मैंने पहले से बॉईल करके ठंडा पानी से धो के एकदम पानी झराने के लिए रख दिए थे, वही साबू दाने यहाँ पर डालेंगे। साबूदाना डालने से ना ये कस्टर्ड काफ़ी टेस्टी और यम्मी बनता है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर ना चिया सीड्स भी भिगो के डाल सकते हैं, वो भी काफ़ी टेस्टी होता है। तो पहले साबूदाना और कस्टर्ड अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। आप चाहें तो इसे मिक्स करें, चाहे तो ना भी मिक्स करें, ऐसे भी देंगे तो भी अच्छा ही लगेगा, लेकिन अंत में हम लोग को मिक्स करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा मिक्स कर लिए। तो अभी यहाँ पर डालते हैं कुछ फ्रूट्स। तो फ्रूट सारा एक ही साथ मत डालिएगा, सारे फ्रूट्स थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे, और थोड़ा फ्रूट सब बचा के रखिएगा, ताकि एकदम लास्ट में ऊपर से ना यही फ्रूट से गार्निश कर सके, ताकि वो दिखने में अच्छा लगे। क्योंकि देखिए एपिटाइजिंग भी होना चाहिए, देखने में अगर खाना बहुत टेस्टी यम्मी होता है तो बच्चे ऐसे टूट पड़ते हैं खाने में। तो ये मैंने फ्रूट्स अभी फ़िलहाल डाल दिए हैं, और सारे अच्छी तरह से चलाते हुए हम लोग यहाँ पर मिक्स कर लेते हैं। कस्टर्ड, फ्रूट, साबूदाने सारे के सारे एक साथ पूरा मिला लेंगे।
और ये मिक्स हो जाने के बाद इसके ऊपर ना दोबारा हम लोग और एक कस्टर्ड का लेयर डालेंगे। लेकिन ये लेयर जो कस्टर्ड का हम डालेंगे ये लेयर और मिक्स नहीं करेंगे, ये लेयर ऐसे ही डाल देंगे ऊपर से। उसके बाद ऊपर से ये सारे जो फ्रूट्स हैं ऊपर से अच्छी तरह से गार्निश करेंगे। गार्निश करने का तरीका तो आपकी इच्छा से, आपको जिस तरह से मन चाहे उसी तरह से सजा दीजिए। तो जितने सारे फ्रूट्स मैंने बचा के रखे थे पहले से, वही फ्रूट्स जैसे कि मैंने केला डाला हुआ है तो केला के वो मैंने एक साइड से लाइन अप कर दिए, दूसरे साइड से मैं यहाँ पर पपीता लाइन अप कर दूँगी। और मैं सोच रही हूँ ये जो अंगूर है वो तो काला काला अंगूर है, वो एकदम झट से ब्राइट एकदम कलर बहुत ब्राइट है वो नज़र आएगा, तो अंगूर एकदम बीच में से रखेंगे। और साइड से ये मैंने एप्पल भी डाल दिए और अभी आता अंगूर, अंगूर मैं बीच में से डाल दिए। तो चलिए बन गया हम लोगों का फ्रूट कस्टर्ड रेडी टू सर्व। इसे आप ना फ्रीज़र में कुछ देर के लिए रख दीजिए और ठंडा ठंडा इसे सर्व करें। ये पूरा एकदम आइसक्रीम, वनीला आइसक्रीम जैसा टेस्टी होता है। लेकिन आप चाहे तो गर्मा गर्म भी खा सकते हैं, गर्मा गर्म नहीं थोड़ा सा ठंडा करके भी खा सकते हैं, वैसे भी अच्छा लगता है। तो आज का रेसिपी आप लोग को कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा करके शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और नए फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ताकि जब भी मैं कोई रेसिपी बनाऊँ आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नया और सिंपल सा रेसिपी लेके, ताकि आप भी अपने घर में इसी तरह से बना के इसे इंजॉय कर सकें सिंपल वे में। और आप कौन से मतलब कहाँ से आप मेरे चैनल को देख रहे हैं कमेंट करना ना भूलिएगा। तो कल के लिए ये एकदम ठंडा ठंडा बना के रखिए और कल ये ठंडा ठंडा सर्व कीजिए होली के साथ, ये बहुत ही अच्छा लगेगा। बच्चे तो एकदम यम्मी टेस्टी करके खाएंगे और बोलेंगे वाह क्या खाएं। और एज अ डेजर्ट भी ये आप दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। और वंस अगेन हैप्पी होली टू एवरीवन।